वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर, और आज हम आपके लेके आए हैं फर्स्ट पेपर व्यू है ये स्टडी हाई का। इसमें हम स्टैटिक जीके के टॉपिक लेके आएंगे। एक टॉपिक कवर होगा, शॉर्ट वीडियो होगी, और एक टॉपिक का कंप्लीट डिस्कशन होगा इसमें। और ये है आज हम पहला डिस्कशन करेंगे इसमें हिमाचल प्रदेश मोबाइल एप्स का। तो इसमें कवर किए जाएंगे जितने भी गवर्नमेंट ने मोबाइल एप्स लॉन्च की हैं, जो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है हिमाचल प्रदेश के, उसको कवर किया जाएगा। एक शॉर्ट वीडियो होगी 5 से 6 मिनट की। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इस पेपर व्यू में हम लेके आए। तो ये पेपर व्यू सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक टॉपिक होगा, जो भी आप बताएंगे उसी टॉपिक पे डिस्कशन होगा। तो आज मैं पहला पेपर व्यू लेके आया हूँ मोबाइल एप्स के ऊपर, तो स्टैटिक जीके का टॉपिक है। और जो सब्सक्राइबर नहीं जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा, इस स्टडी हाई पर आपको करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, और एक हिम जीके मैगजीन है जिसमें और भी दोनों करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का मिक्सचर उस वीडियो में चलता है। तो आप वो भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। और इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को बेनिफिट हो सके इसका। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। जितनी भी ऑफिशियल मोबाइल एप्स हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे, तो हर का आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले, अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अपने मोबाइल पर यहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तभी उन्हें हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। यहां पर जाकर और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप fb.me हिमाचल स्टडी करके भी सर्च कर सकते हैं, @हिमाचल स्टडी करके भी सर्च कर सकते हैं, और आप फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं स्टडी हाई पर। और ये आपकी ड्यूटी है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और हेल्प करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं शक्ति बटन की, जो अभी भी लॉन्च की शक्ति बटन ऐप है। ये आपकी शक्ति बटन है, ये बनाई गई है वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जिनको भी जरूरत होती है, जिन्हें भी खतरा महसूस होता है, तो इस ऐप के थ्रू वो अपनी मदद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रोहतांग परमिट ऐप, ठीक है। याद रखिएगा, रोहतांग परमिट पे ये आपको परमिट्स, जो रोहतांग पास में कब परमिट मिलेगा या कितनी वैलिडिटी होगी इसके बारे, या करंट स्टेटस क्या चल रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी देता है रोहतांग पास के बारे में। उसके आगे है हिम TCP एरिया चेक, ठीक है। ये है जितना भी विलेज, जितनी भी आती हैं जो प्लानिंग के अंडर है, स्पेशल एरिया नोटिफाइड किया गया है जो आपकी TCP हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है, उसको रिलेटेड इस पे सारी जानकारी आपको मिलती है। उसके आगे है आपका श्रेष्ठ हिमाचल, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको रिलेटेड टू क्राइम, डिजास्टर, गार्बेज, एक्सीडेंट, रोड ब्लॉकेड या फॉरेस्ट फायर को लेकर भी इस ऐप के थ्रू आप कन्वे कर सकते हैं अपनी ग्रीवियंसेस, ठीक है। तो श्रेष्ठ हिमाचल ऐप के बारे में ये जानकारी है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो आपसे सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि इससे रिलेटेड कौन सी ऐप है, मतलब आपको अगर कोई क्राइम रिलेटेड ऐप है या डिजास्टर गार्बेज रिलेटेड, तो आप श्रेष्ठ हिमाचल ऐप ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी माई डॉक्यूमेंट ऐप, ये एक सिंपल ऐप है सरकार के द्वारा दी गई हुई, इसमें आप सिर्फ स्कैन कर सकते हैं अपनी कॉपीज को इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। उसके बाद है जन मनरेगा ऐप, ठीक है। ये एक्चुअली जो ऐप है ये मनरेगा की ऐप से जुड़ी हुई ऐप है, मनरेगा के रिलेटेड ऐप है। देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं आप, जो भी मनरेगा रिलेटेड आपकी क्या फीडबैक है, आपके गांव की क्या प्रॉब्लम है या क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड आप यहां पर फीडबैक दे सकते हैं इस ऐप के थ्रू। उसके बाद है आपकी ई भुगतान ऐप। देखिए, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा पेमेंट होती है आजकल, तो इस ऐप की मदद कर सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है ई भुगतान ऐप, ठीक है। और ये एम्प्लॉयज, पेंशनर और जो बाकी जो हैं जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये दी गई है ई भुगतान करने के लिए। उसके बाद है आपकी हिमाचल रिपब्लिक सर्विस कमीशन की भी ऐप आती है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन ही सब एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, जितनी भी नोटिफिकेशन होता है एग्जाम रिलेटेड यही लॉन्च करता है। तो अगर आप इसको ऐप को लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्त्री सुरक्षा की। देखिए, एक और ऐप है जो वुमेन प्रोटेक्शन के रिलेटेड है, वो है आपकी आप स्त्री सुरक्षा। देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें क्या है कि आप एक SMS भेज सकते हैं कोई भी प्राइवेट कॉन्टैक्ट को और पुलिस को आसानी से। जैसे आपको कोई लगता है कि आपका कोई नोन है जो आपकी मदद कर सकता है उस समय पर, तो उसका आप कॉन्टैक्ट ऐप में सेव करिए। जैसे ही आपको लगेगा आप इस ऐप से क्लिक करेंगे तो उसको मैसेज चला जाएगा, या पुलिस, नियर पुलिस स्टेशन में भी वो जा सकता है, ठीक है। तो ये मेनली जो कवर करता है ये कांगड़ा डिवीजन में कवर करता है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा और ऊना में सबसे ज्यादा इस ऐप चल रही है अभी, स्त्री सुरक्षा ऐप, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद है आपकी माई MLA ऐप, ठीक है। तो
इस ऐप का क्या फ़ायदा है, देखिए ये आपको करंट स्टेटस बताएगी किस तरह के काम हो रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और जिस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं आपके जो एमएलए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड, वो आप इस ऐप में जाकर देख सकते हैं। तो इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, माई एमएलए ऐप, ठीक है। आगे है उसके बाद एचपी सर्कल रेट्स। देखिए एचपी सर्कल रेट्स क्या है, ये आपके जितने भी प्रिवलिंग सर्कल चल रहे हैं क्या, मतलब रिलेटेड टू क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या कीमतें चल रही हैं, और इसके रजिस्ट्रेशन फी या स्टैम्प ड्यूटी कितनी होती है किसी काम ऑफिशियल काम करते वक्त, तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको इस एचपी सर्कल रेट में मिलेगी। उसके बाद है हिम बेवरेजेस, जितनी भी अल्कोहल बेवरेजेस बिकती हैं उनके रिलेटेड जानकारी आपको हिम बेवरेजेस या जो भी हिमाचल प्रदेश के सॉफ्ट ड्रिंक्स या कुछ भी इंफॉर्मेशन ड्रिंक्स रिलेटेड वो आपको हिम बेवरेज में मिलती है। उसके बाद है आपकी ऑफ OFRIS, ठीक है, ये है आपकी OFRIS। इसमें आप अपनी ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन जितनी भी हैं उनको आप चेक कर सकते हैं, तो इस ऐप के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे है आपकी माई GPF एक्ट, ये है एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की GPF रिपोर्ट के ऊपर जो भी उनका प्रोविडेंट फंड रिलेटेड होता है उससे रिलेटेड इसमें जानकारी दी जाती है। आगे बात करते हैं एम हिम भूमि लैंड रिकॉर्ड हिमाचल ऐप, ठीक है, इसमें आपके जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है, जमीन रिलेटेड सारी की सारी जानकारी इस ऐप में आप मिल सकती है। उसके बाद है आपकी ई समाधान, देखिए ये एक ग्रीवियंसेस ऐप है, यहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके रिलेटेड आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है स्टूडेंट आधार। देखिए स्टूडेंट आधार क्या है, ये जो भी स्कूली बच्चे हैं उनका एकदम आधार कार्ड बनाने में सहायता करता है, तो इसकी मदद से आप जितना जल्दी से जल्दी आधार कार्ड बना सकते हैं बच्चों का, तो स्टूडेंट आधार कार्ड है ऐप है ये। आगे शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये रिलेटेड टू शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वहाँ पर शिमला में उनकी ये ऐप है, ठीक है, तो इतनी हमारी ज़्यादा काम की नहीं है, ठीक है, तो फिर भी मैंने रखा है, कभी पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपकी एचपी टोकन टैक्स कैलकुलेटर ऐप, ठीक है, ये जितने भी प्राइवेट और गुड्स कैरियर जो भी पास करते हैं जहाँ पर भी टैक्स कर लगाया जाता है, जब भी कोई आप बॉर्डर एरिया में देखेंगे हिमाचल प्रदेश के वहाँ पर कर लगाया जाता है जो भी गाड़ी एंटर करती है, तो उसके रिलेटेड जानकारी इस ऐप में आपको मिलती है। उसके बाद है मिड डे मील MDM ऐप, ठीक है, ये मॉनिटरिंग करती है जितनी भी मिड डे मील जो स्कूलों में दी जाती है उसके रिलेटेड जानकारी कितनी है क्या है सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर मिल सकती है। उसके बाद है आपकी मानव संपदा ऐड, देखिए मानव संपदा ऐड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, ये जरूर याद रखिएगा। इसमें आपको जानकारी मिलेगी जितने भी आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एजुकेशन फैमिली ट्रेनिंग और उनकी ज्वाइनिंग लीव टूर सैलरी सर्विसेज हर की हिस्ट्री मिलेगी आपको, तो बहुत ही आप किसी भी एम्प्लॉय की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, सारी जानकारी इस पे आपको मिल सकती है। उसके बाद है आपकी PMISHC, ये जो ऐप है ये आपकी पर्सनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो देखिए हाई कोर्ट रिलेटेड ये ऐप है, जो भी उनका सिस्टम है जो केसेस लगते हैं जो पेंडिंग होते हैं किसकी कब तारीख आएगी इस पर आप डायरेक्टली जानकारी दे सकते हैं। और अब ई सिस्टम होने की वजह से अब कभी कभार ऐसा होता था कि कई जगह केसेस किसी का पहले लग जाता था किसी का बाद में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब ऑनलाइन ही सारा काम होता है, तो जिसको तारीख मिली है उसको चेंज नहीं किया जाता और ये सारा ऑनलाइन होने की वजह से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है, ठीक है। उसके बाद है आपका ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अब आप ऑनलाइन इस ऐप की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है, OPD में, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट वहां जाने की आप डायरेक्ट ऐसे भी घर बैठे भी रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद है आपका कोर्ट केस स्टेटस, ठीक है, कोर्ट केस स्टेटस यही जिसकी मैंने बात की, इसी से जुड़ा हुआ है ये ऐप जो प्रीवियस वाला मैंने बात की, इसमें कि क्या स्टेट आपके केस का स्टेटस है कब आपकी तारीख डलेगी इससे रिलेटेड जानकारी आपको इस ऐप पर भी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं एचपी टेलीस्ट्रोक पे, एचपी टेलीस्ट्रोक पे है ये आपकी स्ट्रोक अवेयरनेस, जो भी काफी एक खतरनाक प्रॉब्लम है ये कि स्ट्रोक आ जाता है कईयों को, ठीक है, तो वो उसके रिलेटेड जानकारी इमरजेंसी में आपको क्या करना चाहिए इससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी इस ऐप में मिलेगी। उसके बाद है माई डेयरी, ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट सॉरी माई डायरी सॉरी करके माई डायरी, इसमें आपको जितने भी ऑफिशियल डायरेक्टरी है जितने भी आपको इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो हेड्स हैं या MDs हैं या चीफ हैं उनकी आपको डायरेक्टर्स वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में नंबर मिलेगा कि आप उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं, तो इस को ज़रूर रखिएगा माई डायरी को। आगे बढ़ते हैं,
हाँ माई HP फोन्स, ठीक है, ये भी सिमिलर ही है इसके, ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हिमाचल टूरिज्म टूर मंडी के नाम से है, ठीक है, तो मेनली जो विजिट करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए यह है, ये टूर मंडी है, ठीक है। आगे है आपकी हिमाचल टूरिज्म की HPTDC, ठीक है, ये भी एक अलग हिमाचल टूरिज्म वालों की ही ऐप है और हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ऐप है। इसमें जितनी भी आपके अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती है, कौन कौन से अलग अलग प्लेसेस हैं, कितने हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के अंडर होटल आते हैं, ये सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद है आपकी ESRT स्पेशल रोड टैक्स पेमेंट सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए क्या स्टेटस है, किस तरह से कर लगाया जाता है, वो आपका पूरा इस ऐप के थ्रू आपको देखने मिले। उसके बाद है ई चलान, ठीक है, आप किस तरह से ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट तय कर सकते हैं, पैसे रिलेटेड मनी रिलेटेड ई चलान कटवा सकते हैं ऑनलाइन ही, ठीक है, तो ये आपको सुविधा इस ऐप से मिलती है। उसके बाद है HPVC, ये है आपकी शेड्यूल NIC हिमाचल प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप, ठीक है, तो इसके थ्रू आप जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको सुविधा मिलती है कि आप आसानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप बनती है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सटेंड कार्ड्स, ठीक है, तो ये आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें आपको जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनके रजिस्ट्रेशन रिलेटेड किस डिपार्टमेंट में कौन है ये सारी जानकारी मिलती है। ई पेंशन ऐप से आपको ये जानकारी मिलेगी कि जितने भी पेंशनर हैं उनकी कितनी अभी पेंशन है, पेंडिंग है, या कितनी मिल रही है किस विभाग के व्यक्ति को, और क्या ये सारी जानकारी पेंशन रिलेटेड आप ई पेंशन से ले सकते हैं। उसके बाद है आपकी यू हिमाचल योर हिमाचल, ठीक है, इसमें आपको लाइव अपडेट जानकारी मिलती रहती है कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, तो कुछ भी आपको मतलब थोड़ा सा अभी सरकार ने क्या लॉन्च किया है, कोई सर्विसेज या हिमाचल प्रदेश में क्या नया चल रहा है उसके बारे में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। उसके बाद है ई गैजेट, ई गैजेट आपकी जानकारी जितने भी नोटिफिकेशन सरकार निकालती रहती है डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट रिलेटेड जो भी वो जानकारी शेयर करते रहते हैं वो आपको इस पर मिल सकती है। उसके बाद है आपका EHRMS, ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयड की रिलेटेड है, तो सर्विस बुक है, तो इसमें आपको जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट के काम करें उनके बारे में जानकारी मिलेगी। ई ट्रांसफर्स, ठीक है, ये जितने भी ट्रांसफर ऑर्डर होते हैं अलग अलग विभाग में तो उसके रिलेटेड ये जानकारी प्रोवाइड करवाती है। और उसके बाद आखिरी है आपकी HPIPH, ठीक है, इरिगेशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, तो इससे रिलेटेड इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको HPIPH में देखने को मिलेगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स, और इनसे जरूर जरूर आपसे सवाल पूछा जा सकता है आने वाले कुछ एग्जाम्स में, तो जरूर आप इनको नजर रखिएगा, तभी मैं इस पे लेके आया था थोड़ा सा। और इसमें और अगली बार मैं किस टॉपिक पे जरूर वीडियो लेके आऊँ जी, मेरे को जरूर बताइएगा, इस पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो एक टॉपिक मैं पूरा कंप्लीट इसमें डिस्कस करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको बेनिफिट हो सके, आपको बेनिफिट हो सके। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।